हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उस चैप्टर के थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसे हम रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह में से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उनके गुण, आकार, स्थिति इत्यादि के सापेक्ष तुलना करते हुए सार्थक क्रम, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्रम व्यवस्थीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरी का ज्यादा जितने ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना क्वेश्चंस में उतना ज्यादा क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं टाइप 1 में। स्थान क्रम परीक्षण है। किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति का बाएं से ऊपर से स्थान, मान लीजिए जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे आगे चार खड़ा है, मेरे पीछे पांच खड़ा है, तो मेरा ऊपर से, इसको ऊपर मान लेते हैं, ऊपर मेरे चार है तो ऊपर से कितना स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया, वही कह रहा है। तो और नीचे से कितना हो गया, पांचवा हो गया। दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हम दो बार रिपीट हुए इसलिए -1 कर देंगे। ठीक है, वही कह रहा है किसी एक व्यक्ति, जब कक्षा का कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान या उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे तो आपका कुल संख्या निकल जाएगा व्यक्तियों का। दूसरा क्या पूछ रहा है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान, दाएं अथवा नीचे से स्थान पूछ रहा है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस क्या करेंगे, पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो और +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान व्यक्ति का आ जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान, तो इसमें भी क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस करेंगे उस व्यक्ति की उसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान है, कितना है, ऊपर से 23वां स्थान है, ठीक है, और नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए जब कुल निकाला तो मैंने आपको बताया ना, किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए व्यक्ति का बाएं से या ऊपर से स्थान, व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान -1 कर देंगे। ऊपर से स्थान दे दिया 23, नीचे से स्थान दे दिया 20 और दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे तो कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगा। 43 -1 कर दिया तो कितना, 42 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है आपके क्लास में, तो 42 है। चलिए अब टाइप 2 पे चलते हैं। तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था करना है। ठीक है, सीता कनिका से आयु में बड़ी है, क्या कह रहे हैं, देखिए सीता कनिका से आयु में बड़ी है, कनिका से आयु में क्या है, बड़ी है, हो गया। ईला कनिका से बड़ी है, अब क्या कह रहे हैं, ईला कनिका से बड़ी है, कनिका से बड़ी है, ठीक है, लेकिन सीता से छोटी है, लेकिन सीता से क्या है, छोटी है। चलिए सीता से छोटी, तो सीता यहां बैठा सकते हैं, सीता से क्या है, छोटी है, आ गया ना। अब देखिए सैंपा मानस और कनिका दोनों से छोटी है, सैंपा मानस और कनिका दोनों से छोटी है, सैंपा जो है ना मानस और कनिका से दोनों से छोटी है, सैंपा यहां लगा दिए, सैंपा कनिका से छोटी है, मानस से भी छोटी है, तो मानस अब कहां होगा ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कनिका जो है मानस से बड़ी है, कनिका मानस से बड़ी, तो मानस यहां आएगा क्योंकि मानस सैंपा से बड़ी है और कनिका मानस से बड़ी है, तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो गई, सबसे छोटी सैंपा हो गई, तो सैंपा क्या हो जाएगा, सैंपा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो टाइप था, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप चलिए कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, देखिए एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो मैंने थ्योरी में बताया था आपको कुल लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुल लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान 15 और अंत से 11वां दोनों को प्लस करेंगे -1 कर देंगे, कितना आ गया 26, -1 मीन्स 25, कुल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में वीना आरंभ से 12वें स्थान पे है, ठीक है, और अंत से 19वां है, ठीक है, तो पहला पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पहला पंक्ति कुल
कुल लड़कियां ये निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, 12 है प्लस 19 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 12 18 30 कितना 30 आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए दूसरे पंक्ति में कुल लड़कियां, दूसरे पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हो जाएगी, देखिए 14वीं और अंत में 20वीं, 14 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, कितना हो गया 33। अब बोला दोनों मिला के दोनों पंक्तियों में कुल लड़कियां कितना हो जाएगी, दोनों पंक्तियों में बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30 प्लस 33 हो जाएगा, जो कि कितना हो गया 63 लड़कियां होंगी दोनों पंक्तियां मिला के। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, गोविंद का ऊपर से कितना स्थान है, छठा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या हो गया, गोविंद हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7 कृष्ण, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, कृष्ण का नीचे से स्थान कितना होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया ऊपर से कृष्ण का, 13 हो गया, 13वां हो गया ऊपर से कृष्ण का, ठीक है, यहां से लिखिए ना, 13 हो गया ऊपर से, ठीक है, और कितना बच्चा है टोटल, 35 बच्चा है, ठीक है। तो 35 में अगर हम माइनस 13 करते हैं तो 12 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, 35 माइनस 13 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23वां स्थान हो गया, ठीक है, कितना हो गया 23वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, आनंद शशांक से बड़ा है, क्या कह रहा है, आनंद शशांक से बड़ा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन आनंद जो है रोहन से छोटा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, धनश्री जो है सीमा से छोटी क्या है, घनश्री, ठीक है। और क्या बोल रही है, लेकिन राजश्री से बड़ी है, सीमा से छोटी है घनश्री, लेकिन राजश्री से बड़ी है, राजश्री से क्या है, बड़ी है, ठीक है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है राजश्री, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ आएगा कुछ क्लियर नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो कुछ क्लियर नहीं है, क्या डेटा क्या है, अपर्याप्त है, पता नहीं लगाया जा सकता पर्याप्त कौन बड़ा है, ठीक है, या आपके ऑप्शन दिया रहेगा डाटा पर्याप्त है तो इसमें आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सेलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए, इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ, थैंक यू।